मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। ड्रग्स और रेप पार्टी मामले में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया था। आर्यन 7 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में रहने वाले हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा हलचल रही सोशल मीडिया पर, तरह तरह के रिएक्शंस और ट्रेंड देखने को मिले। ऐसा ही एक ट्रेंड था वी स्टैंड विद एसआरके। देश में तो समर्थन हुआ ही, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों ने भी वही किया, फुल सपोर्ट। किसी ने परिवार की अच्छाई का हवाला दिया तो किसी ने बच्चों की मासूमियत के बारे में बताया। कुछ ऐसे भी थे जो ये सब कह रहे थे कि ये सब शाहरुख खान की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके लिए ड्रग्स से बड़ा मामला शाहरुख और आर्यन खान थे। एक व्यक्ति ने आर्यन खान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वो बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार हैं। नफरत करने वाले याद रखें, हम यहाँ राज करने आए हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं कुछ ऐसे यूजर्स भी थे जिन्होंने आर्यन की वो तस्वीर शेयर की जब एनसीबी उन्हें कार में अपने साथ लेकर जा रही थी। इस यूजर का कहना था कि आर्यन अपने हेटर्स को देखकर हंस रहे हैं, वो उनसे नफरत करने वालों को देखकर हंस रहे हैं। एक यूजर ने शाहरुख की फिल्म का डायलॉग शेयर करते हुए लिखा कि हवाओं से थोड़े ना हिलने वाला हूं मैं। इसके बाद हैशटैग भी था वी स्टैंड विद एसआरके और फिर लिखा था वी लव यू एसआरके। एक यूजर ने कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों कोई दुनिया के सबसे बड़े स्टार की छवि खराब करना चाहता है, क्योंकि वो ये काम सीधे नहीं कर पा रहे तो इसलिए उन्होंने अपनी साजिश अंजाम देने के लिए बच्चों का रास्ता चुन रहे हैं, ये सही नहीं है। कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो सलमान खान का नाम लेकर भावुक हो रहे थे। ऐसे ही एक यूजर ने सलमान खान से माफी मांगते हुए कहा, हमने आपके बेदिमाग फैंस की वजह से आपको हमेशा ट्रोल किया, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं और शाहरुख खान के अच्छे दोस्त भी हैं। आज के बाद हम आपके खिलाफ एक भी शब्द कहने से पहले सोचेंगे, हमें माफ कीजिए भाई। ट्वीट के आखिर में वही हैशटैग वी स्टैंड विद एसआरके। एक और तस्वीर शेयर की गई, ये करण अर्जुन फिल्म की तस्वीर थी जिसमें शाहरुख और सलमान एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुस्से से देख रहे थे और कैप्शन में था, हाथ से हाथ मिलाकर सलमान और शाहरुख गोदी मीडिया से लड़ने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि आर्यन खान ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में ड्रग्स का सेवन किया है। एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी वाले जहाज में 4 अक्टूबर 2021 को फिर से छापेमारी की और क्रू मेंबर से पूछताछ की थी। एनसीबी ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आर्यन को उनके पिता शाहरुख खान से बात कराई थी। ये तो पूरी तस्वीर का कुछ हिस्सा था, ऐसे कई चमन बहार सोशल मीडिया पर नजर आ ही जाते हैं। एक दिन पहले एक और बिरादरी आर्यन खान को सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट करने वाले बिरादरी का कहना था कि शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए उनके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। इन बातों से हटकर अभी का सच यही है कि आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में है और ड्रग्स लेने के आरोपित हैं। पिता का नाम शाहरुख खान हो या टॉम क्रूज, गलत की परिभाषा गलत ही होती है। सुपरस्टार का बेटा हो या रिक्शे वाले का, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये लाइन भी सोशल मीडिया की उठाई गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।